नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मंडली समीक्षा बैठक को लेकर आजमगढ़ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज आयुक्त कार्यालय में आजमगढ़ मऊ व बलिया के अधिकारियों के साथ बैठक कर केंद्र व राज्य की विकास योजनाओं की समीक्षा के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी बारीकी से जानकारी हासिल की। इस दौरान सभी अधिकारियों को विकास योजनाओं संग शासन के निर्देशों के प्रति संवेदनशील होने को कहा गया। कई योजनाओं की समीक्षा में कमियां मिलने पर फटकार लगाकर अधिकारियों को सुधार लाने का एक अवसर दिया गया। प्राथमिक शिक्षा को लेकर कहा कि किसी भी कीमत पर सभी बच्चों को 30 जून तक किताबें मिल जानी चाहिए। अगले वर्ष से एनसीईआरटी की बुक दी जाएगी। बारिश को लेकर बाढ़ से तैयारियों के साथ ही संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए कहा गया। मंडलायुक्त ने बताया कि लाइन आर्डर के साथ ही विकास योजनाओं में सबसे ज्यादा प्राथमिकता आवास योजनाओं को 100% पूरा करने को कहा गया। वही एडीजी वाराणसी ब्रजभूषण ने बताया कि सीएम ने कानून व्यवस्था पर विशेष ढाल देने को कहा है। बाइकर गैंग पर विशेष निगाह रखने और महिलाओं के प्रति संवेदनशील होने को कहा। एंटी रोमियो स्क्वाड को पूरी सक्रियता बरतने को कहा गया है। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था और जितनी भी विकास योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में और शासन के प्रति संवेदनशील रहने के बारे में और विशेष रूप से जनता में कानून और व्यवस्था के प्रति विश्वास पैदा करने के बारे में निर्देश दिए हैं। विकास योजना के बारे में, विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा हुई है? विश्वविद्यालय के बारे में चर्चा हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि 50 एकड़ भूमि का शीघ्र से शीघ्र प्रबंध किया जाए जिससे कि यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो सके। विकास कार्यों में कौन कौन से प्राथमिकता है? उनकी विशेष प्राथमिकता ग्रामीण और शहरी आवास योजना है ताकि जो हमारे पात्र व्यक्ति हैं, निराश्रित हैं, जो लाभार्थी, उनको आवास उपलब्ध हो सके, उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में ये शामिल है। कार्रवाई नहीं हुई लेकिन उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी प्रगति धीमी है उस प्रगति को बढ़ाया जाए। उन्होंने अवसर प्रदान किया है अपनी प्रगति बढ़ाने का। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। विशेष रूप से जो बाइकर्स गैंग्स हैं, किसी बाइकर गैंग की हिम्मत ना बढ़ने पाए कि सड़क पर घूम पाए, किसी में ये हिम्मत ना हो कि महिलाओं के प्रति कोई अपराध करने पाए। स्कूल भी खुलने वाले हैं, महिलाओं बच्चियों का मूवमेंट होगा, तो हमारी जो एंटी रोमी स्क्वाड है वो ज़्यादा एक्टिव किए जाएँ और एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि बच्चियाँ बड़ा सेफली बिना किसी भय आतंक के बड़े आराम से अपना मूवमेंट कर सकें। दूसरा उनका ये मेरे बिंदु था, थानों के जो टॉप 10 अपराधी हैं उनका सही चिन्हीकरण हो, उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन हो और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। आम जनता है जो उसकी जन शिकायत हैं उनका सुनवाई नियमित रूप से हो, डेली हो, सभी अधिकारी दफ्तरों में बैठे हैं, पब्लिक को राहत मिले,
इसके अलावा एक पब्लिक में भेद पैदा करने के लिए और अपराधी में डर पैदा हो, कहा गया कि जो हमारे अधिकारी हैं वो डेली फुट पेट्रोलिंग करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।